بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين आज इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए और अल्लाह ताला के करम से और फजल से एमएस को पूरे स्टेट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर मिले हैं जो 993 आउट ऑफ 1000 है। ये खुद एक एमएस की जो है ना तारीख के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर है और इस साल का स्टेट का जो हाईएस्ट मार्क है वाईपीसी में खासतौर पर वो 983 है जो सिर्फ एमएस के स्टूडेंट्स को ही मिला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और एमपीसी में 994 हाईएस्ट स्कोर था जो किसी और कॉलेज को आया है और एमएस को सेकंड पोजीशन मिली है 993। और अल्लाह ताला के करम से इस साल एमपीसी और वाईपीसी दोनों में एमएस के हाईएस्ट स्कोर 993 है और 990 के ऊपर हमारे टोटल 6 स्टूडेंट्स 3 एमपीसी में और 3 वाईपीसी में स्कोर किए हैं। इस तरीके से अल्लाह के करम से एमएस की हिस्ट्री में ये अभी तक के हाईएस्ट स्कोर्स कंसिडर किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का भी बहुत अच्छा इसके अंदर रिजल्ट रहा है। बॉयज़ एमपीसी से एक लड़का है जो 993 मार्क्स स्कोर किया है और एक वाईपीसी में लड़की है जिसने 993 मार्क्स स्कोर किए हैं। और इस तरीके से अल्लाह के करम से हर साल की तरह इस साल भी सैकड़ों बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 90% एंड अबव मार्क्स स्कोर करके कौम का नाम और इदारे का नाम ऊँचा कर रहे हैं, वालिदैन का नाम ऊँचा कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस मौके पर मैं ये भी बात सामने रखना चाहता हूँ कि एमएस का जो मकसद है वो यही है कि कैसे हमारे आने वाले नस्लों की दीन की और ईमान की हिफाजत हो, कैसे हमारी बच्चियों के जो है ना पर्दे की हिफाजत हो, कैसे उनकी इज्मतों की हिफाजत हो, कैसे उनको एक पाकिस्तान माहौल दिया जाए और साथ ही साथ एक दीन और दुनिया दोनों के कॉम्बिनेशन में तालीम बच्चों को दी जाए ताकि बच्चे हमारे सीधे रास्ते पर चलने वाले बने और वालिदैन के फरमाबरदारी करने वाले बने, अल्लाह को राज़ी करने वाले बने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने वाले बने। इसकी एमएस की अपनी कोशिशें हैं, अल्लाह के करम से बहुत हद तक हमारे को इसके अंदर कामयाबी भी हासिल हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और साथ ही साथ बच्चों को बेहतरीन आला मयारी तालीम देने के लिए एमएस हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि इसके एमएस के ये रिजल्ट्स है। खाली हम लोग 980 के ऊपर के स्टूडेंट्स को हम जमा करने की कोशिश करना चाहे तो भी हम नहीं कर पाए, इतनी बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है और अल्लाह की तरफ से उम्मीद है। ऐसे बच्चे भी आजकल बहुत ज़हीन है, मेहनती है, तो बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। जो कोरोना का एक इफेक्ट हुआ करता था वो अल्लाह के वजह से कोरोना का इफेक्ट अब इस साल दिखाई नहीं दिया। बच्चे बढ़ चढ़ कर जो है ना पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ऐसे ही हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन है जैसे नीट है, IIT है, CLAT है, CA है, CA फाउंडेशन, इसके अंदर हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि हर फील्ड में इंशाल्लाह ये बच्चे आगे बढ़ के इदारे का, वालिदैन का और कौम का नाम ऊँचा करेंगे। अल्लाह की तरफ से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला इन बच्चों की हिफाजत फरमाए, हर किस्म की नज़र बच्चे बचाए और इन्हें दोनों जहानों में आला दर्जे की कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। ब्रांचेस में सबसे हाईएस्ट मार्क्स तो मैं आपको बताऊँगा कि मासअप टैंक बॉयज़ का जो हमारा सेक्शन है वहाँ से हमको 993 मार्क्स स्कोर हुए हैं और मेहंदीपट्टनम के ब्रांच से हमको जो हमारी वहाँ की कॉलेज है वहाँ से लड़की हमारी जो है उसको 993 मार्क्स आए। अदरवाइज 990 में हमारे मलकपेट से स्टूडेंट्स हैं और चार मीनार से भी स्टूडेंट्स हैं, मासअप टैंक और मेहंदीपट्टनम से भी हमारे स्टूडेंट्स स्कोर किए हैं। और थोड़ा सा और आगे हटेंगे 988 989, तो माशाल्लाह आरमगढ़ है, टोली चौकी है, ये सारी ब्रांचेस से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स ने मार्क्स अच्छे स्कोर किए हैं। हर ब्रांच से अल्लाह के करम से बहुत अच्छे हिम्मत अफजा स्कोर्स रहे हैं। और मैं ये एक बात आपको बता दूं कि इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह आरामगढ़ की ब्रांच जो हमारी है सिर्फ 2 साल हुआ हमको उसको स्टार्ट करके, वहाँ का जो हमारा बैच बाहर आया है, सेकेंड बैच जो हमारा बाहर निकला, उसमें एक स्टूडेंट को 100 out of 100 मार्क्स इंग्लिश में आए हैं जो हमारे भी तस्वुर के बाहर है। कभी ऐसा हमने स्कोर पहले कभी नहीं देखा, बच्चे इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि मार्क्स काटना एग्जामिनर के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसे ही अगर फॉर इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के स्कोर्स अगर आप देखेंगे तो 440 में से 438 मार्क्स स्कोर किए हमारे 3 स्टूडेंट्स, यानी अरबिक में 1 मार्क कम हुआ, इंग्लिश में 1 मार्क कम हुआ, बाकी पूरे 100% मार्क्स लेके आए बच्चे। और 437 436 435 ऐसा 50 से ज़्यादा स्टूडेंट्स है अल्लाह के करम से। ऐसे ही एमपीसी में 470 में से 467 466 465 कई बच्चे स्कोर किए हैं। और ऐसे सीईसी और एमएससी में भी अल्हम्दुलिल्लाह 491 हमारे बच्चों का स्कोर है, 489 हमारे बच्चों का स्कोर है, बहुत अच्छे स्कोर से अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह की तरफ से उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये नंबर हर साल ये कायम भी रहेंगे और इससे ज़्यादा भी आएंगे। जज़ाकल्लाह खैर।
इस वक्त पूरे एमएस का ओवरऑल परसेंटेज बताना मेरे लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी कंपाइलेशन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों में बच्चे हैं, तो इस मोमेंट पे मैं ओवरऑल तो बता नहीं पाऊंगा, लेकिन बहुत जल्द हम उसको डिक्लेयर करेंगे इंशाल्लाह। देखिए इन सबको नजरे बद से बचाए और इन्हें और आगे आला तालीम हासिल करने की, तरक्की करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। ये बड़ी जिम्मेदारी की बात है, हमारे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह सुब्हान व तआला हमको दुनिया और आखिरत दोनों में भी कामयाब करे। इस बात की फिक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एमएस के इदारे शुरू हुए, इसी बात की फिक्र के साथ एमएस के इदारे चल रहे। अल्लाह करे कि ये इदारे ऐसे ही चलते रहे, अल्लाह करे कि ये क़यामत भी चलते रहे और इसके